जाते हैं वो दाता साहब दरबार के बाहर, अगर आप जाएं तो वहाँ पे लोग बस नारे खोल के ऐसे ही बैठे होते हैं। अभी जब मैं सोचा तो मैं कहता हूँ यार कौन सी कौम है हम। जबरदस्त यार जी, भूख लगी है। क्या करें, मैं सोया कम चंगा है तेरा चॉकलेट दिया गोली भाई ने। हेलो, ये रैपर की जेब पे है क्या? किधर है खड़ा? ये शापर है की जेब पे है सच्ची? वो इत्थे ही उठा इत्थे ही? ना 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 ना, इत्ता कौन तकना जी, इत्ता कौन तकना? अच्छा इत्थे तकना कौन? लेकिन चलो तू पूछिया मी ते वीडियो बड़ी जबरदस्त बननी है वैसे। ठीक है, ये हर बंदे वास्ते। अच्छा अच्छा गाइस, अभी बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा रिजवान ने मुझे, नेचुरली पूछा है। ये मैंने चॉकलेट खाई है और खाते साथ ही मैंने अपना जो रैपर है ये अपने जेब में डाला। ठीक है, ये बेसिकली हुआ क्या, आदतन हुआ। अब 7 साल हो गए मुझे इंग्लैंड रहते हुए और ये जंगल है जैसे आप देख सकते हैं। जैसे रिजवान ने कहा कि मैं इसको फेंक देता तो कुछ भी नहीं होना था, लेकिन आदतन ये आदत बनी हुई है कि यहाँ पे एथिकली हम लोग जो हैं वो रबिशा जो भी जिधर भी हूँ हम लोग वो चाहते हैं कि हमारे साथ जाए उसको प्रॉपर, उसको हम लोग जो है वो बिन करें, यानी कि बिन ढूंढे। अगर बिन नहीं मिलती तो फिर घर साथ लेके जाते हैं हम। तो वही आदत ने मुझे, देखें मैंने सोचा भी नहीं है, खाया साथ ही मैंने जेब में डाली है। आप लोग सोच रहे होंगे ये प्लांट है, लेकिन ये प्लांट नहीं है। ठीक है, आप लोग को समझाना ये है कि रिजवान साहब के पॉइंट से मुझे पॉइंट मिला है कि देखें जिधर भी आप जाएँ, चाहे पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, जो भी आपका मुल्क है, इंग्लैंड में है, तो आपने आदत बनानी है अपने खुद कि देखें जंगल में यहाँ पे मैं एक रैपर, इस छोटे से रैपर का कुछ भी नहीं होना था अगर मैं फेंक देता। लेकिन कितनी ज़बरदस्त बात हो अगर हम लोग माहौल को साफ़ रखें, नेचर को साफ़ रखें, कुदरत को साफ़ रखें, नेचुरल रखें तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो हर बंदा अपनी अपनी जो है वो हिस्से की अगर जिम्मेदारी पूरी करे ना तो मुल्क हमारे साफ़ सुथरे हो जाते हैं। वो दाता साहब दरबार के बाहर अगर आप जाएँ तो वहाँ पर लोग बस नारे खोल के ऐसे ही बैठे होते हैं। अभी जब मैं सोचा तो मैं कहता हूँ यार कौन सी कौम है हम, मतलब एथिक्स हमारे अखलाकियात कहाँ चले गए बीइंग अ मुस्लिम। तो आप लोग इस पर गौर करें, मैसेज अच्छा लगे आप इसको शेयर करें ताकि कोई ना कोई भी अगर इस पर अमल करेगा तो वीडियो बनाने का जो है ये नेचुरल मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।